Labroka Saka Tarababa Roba Shekere. Oh, hallelujah! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Bolo Yeshu Masiki. Hallelujah. Amen. कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए. आपको पता है आप जब यहाँ बैठे हैं आपके इर्द गिर्द सब कुछ बदलते जा रहा है. Hallelujah. Amen. Amen. आज हम लोग प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं कि छुटकारा होता क्या है. कितने लोग जानना चाहते हैं कि छुटकारा होता क्या है. एवन आज बहन त्रिवेणी भी फ्लो में उसी चीज को बोल रही थी जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला. उसने भी बोली कि आज स्वतंत्रता का दिन है. एमेन. परमेश्वर स्वतंत्र करता है. हालेलुया. क्या हम जानना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से कि असली स्वतंत्रता, असली छुटकारा क्या है. कितने लोग जानना चाहते हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को मालूम है भैया क्या है. आमीन. लेकिन हम लोग छुटकारा क्या सोचते हैं और वचन क्या छुटकारा बोलता है इसको जानने की बहुत जरूरत है. जितने बच्चे हैं सब ध्यान से सुने इस चीज को. आमीन. हम लोग सोचते हैं कि जब मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी तब मैं छुटकारा पाऊंगा. कुछ लोग सोचते हैं जब इस बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी तब ये छुटकारा पाएगी. कुछ लोग सोचते हैं कि ये भाई के अंदर से जब ये पाप निकल जाएगा तब ये छुटकारा पाएगा. कुछ लोग बोलते हैं कि ये भाई जब गलती करना बंद कर देगा तब छुटकारा पाएगा. है ना. हमारी भाषा में छुटकारा क्या है हमारे लिए. जैसे हम लोग दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं हम लोग सोचते हैं कि अगर इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी तो क्या हो गया. क्या हो गया. क्या हो गया. छुटकारा. इसमें बोलेंगे ना. क्या हो गया. छुटकारा. छुटकारा हो गया. जब हम सोचते कि जब हम लोग चंगे हो जाएंगे तो क्या हो गया. छुटकारा. छुटकारा हो गया. हालेलुया. जब हम सोचते कि एक व्यक्ति पाप से आजाद हो जाता है तो क्या होता है. छुटकारा. छुटकारा हो जाता है. हालेलुया. ये एक मनुष्य सोचता है. ये आप और मैं सोचते हैं. ये एक प्रभु के विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल गई छुटकारा हो गया. बीमार चंगा हो गया छुटकारा हो गया. पाप से आजाद हो गया छुटकारा हो गया. लेकिन असल में परमेश्वर का वचन असली छुटकारा क्या बोलता है. यह है छुटकारे में. इसके बिना छुटकारा नहीं होगा. दुष्ट आत्मा के बिना छुटकारा नहीं होगा अगर वो नहीं निकली तो. आमीन. लेकिन हम परमेश्वर की नजर से ये जानना चाहते हैं कि असल में परिभाषा क्या है छुटकारे की. क्या है परिभाषा. क्या है छुटकारे की. परमेश्वर हमें क्या बोलता उसके लिए क्या परिभाषा है. हम मनुष्यों के लिए, हम परिवार के लिए, हम लोग चाहते कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से तड़प रहा है वो उस चीज से निकल जाए तो वो उसके लिए छुटकारा है. एक व्यक्ति बीमार है वो चंगा हो जाए तो वो छुटकारा है. हाँ ये हमारी परिभाषा है. लेकिन असल में परमेश्वर किस चीज को छुटकारा बोलता है हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 3:17. इसमें प्रभु का वचन क्या कहता है. प्रभु तो आत्मा है. प्रभु तो आत्मा है. और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है. और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है. फिर से पढ़ेंगे. प्रभु तो आत्मा है. प्रभु तो सब इधर देखेंगे जितने भी पीछे बैठे हैं. प्रभु तो आत्मा है. और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है. और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. आमेन. पौलुस बोल रहा है जो जिसको परमेश्वर ने मदद किया इसको लिखने के लिए वो कह रहा है कि परमेश्वर तो आत्मा है. और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा अगर निकल रही है तो स्वतंत्रता है. पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि पाप से आजाद हो गए तो स्वतंत्रता है. पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि श्राप टूट गए वो स्वतंत्रता है. पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि तुम पाप से छूट गए वो स्वतंत्रता है. पौलुस ये बोल रहा है कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी भी दुष्ट आत्माएं निकली है. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके भी श्राप टूटे हैं. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोग पाप से छूट गए हैं लेकिन फिर भी वो लोग बंधन में हैं.
हालेलुया, वो लोग फिर भी बंधन में है। क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आमेन। जब आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, जिस जगह से वो चीज निकलती है, जब चंगाई होती है, जब छुटकारा होता है, अगर वहां पे परमेश्वर रिप्लेस नहीं हो रहा है तो वहां स्वतंत्रता नहीं है। हालेलुया। तो असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता ये है कि अब उस जगह को जहां से दुष्ट आत्मा निकल के गई है, उस मन को जहां पे दुष्ट आत्मा राज्य करती थी, उस शरीर को जहां पर बीमारी रहती थी, उस श्राप और बंधन को जो मेरे अंदर थे में थे, उसके बदले वहां पे कौन विराजमान करे, वहां पे कौन आ जाए? परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर तो आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता, वहां पे क्या है? स्वतंत्रता। वहां पे क्या है? स्वतंत्रता। तो आजादी का मतलब यही नहीं है कि हम छुटकारा पा लिए, अरे दुष्ट आत्मा दस थी दस निकल गई, अरे हम बीमार थे हम चंगे हो गए, हालेलुया हालेलुया। लेकिन छुटकारे का मतलब क्या है? जब आप आजाद होते हो, जहां पे शैतान ने आपको पकड़ के रखा था, जहां पे शैतान आपके जीवन में राज और शासन कर रहा था, वहीं पे अब परमेश्वर का आत्मा रह करके राज्य और शासन करे, वही असली छुटकारा है। ये परमेश्वर की भाषा में है। आमेन। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि हम आजाद हो गए तो इसका मतलब यह है, आजादी का मतलब है कि दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, मैं बीमार था, मैं लंगड़ा था, मैं चलने लगा, अब मैं अपनी मन की करूंगा। यह असली आजादी नहीं है, यह स्वार्थ है और यह एक बंधन है। आप इसलिए आजाद नहीं हुए हो कि आप अपने मन की करोगे, लेकिन आप इसलिए आजाद हुए हो कि अब आप अपने परमेश्वर के मन की करोगे। आमेन। असली आजादी ये नहीं, मैंने आप लोगों को पिछले साल एक प्रभु का एक वचन दिया था, उस गधे के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को? आमेन। कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह जो कि परमेश्वर है, उसने अपने चेलों को बोला कि देखो तुम लोगों को एक वहां पे गधी बंदी मिलेगी जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, उस गधी के ऊपर एक भविष्यवाणी हो चुकी है, वो गधी के ऊपर एक बुलाहट है। हालेलुया। और क्या बुलाहट है? कि वो यीशु मसीह के लिए उपयोग में आए, लेकिन वो गधी को शैतान ने क्या करा है? बांध के रखा है। जब उसके चेले वहां पर गए तो उन्होंने उस गधी को छुड़ाया और उसको छोड़ नहीं दिए कि जा, प्रभु ने छोड़ने को बोला है, हम तेरे को खोल देते हैं, अब तू छूट गई है, अब तू अपने मन की कर। नहीं, असली छुटकारा गधी का वो नहीं था। अगर गधी के बंधन को वो खोल देते, रस्सी को खोल देते और बोलते कि तू आजाद है, क्या ये छुटकारा था गधी का? नहीं। अगर उसको खोलते तो वो क्या करती? वो यहां वहां घूमने लगती, जो उसका मन करता वो करती। लेकिन असली छुटकारा उस गधी का क्या था? कि चेलों ने उसको खोला, खोलने के बाद वो चेले उसको पकड़ कर यीशु मसीह के पास लेकर के गए। और जब यीशु मसीह ने उस गधी के ऊपर बैठा, उस गधी के ऊपर उसके उद्देश्य को पूरा किया, उस गधी के ऊपर बैठ करके जब वो शहर में गया, वो अंदर गया, वही उसका असली छुटकारा था, वही उसकी आजादी थी। आमेन। चर्च, आप इस बात को समझिए, दुष्ट आत्मा से आजाद होना केवल छुटकारा नहीं है, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के पास जाना, उसको अपने अंदर बैठा करके, उसकी सुन के अपने कामों को करना ही असली आजादी है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि जब यीशु मसीह चले गए उस गधी के ऊपर बैठ करके और खजूर इतवार खत्म हो गया तो वो गधी घूम रही थी तो कोई उसको पहचान नहीं रहा था, तो वो गधी बोली कि जब तक यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठा था तभी सब पहचान रहे थे, अभी नहीं। ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस गधी के ऊपर बैठे होंगे, हालेलुया आमेन, वो जानवर था, आमेन, जब यीशु मसीह उस गधी के ऊपर बैठे होंगे, सारे गधे लोग उसके पास गए होंगे क्योंकि उसके अंदर से चंगाई, छुटकारा, चमत्कार निकल रहा होगा, जानवर लोग चंगे हो रहे होंगे। हालेलुया। वो बता रही होगी कि यीशु कैसा दिखता है, वो बता रही होगी क्योंकि जानवरों को भी परमेश्वर ने रचा है। हालेलुया। हम अपने मन से सोचते हैं कि वो बाद में घास खा रही होगी, नहीं,
ऐसा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं लिखा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिसको यीशु ने छुआ कुछ अद्भुत हुआ होगा उसके साथ। दूसरे गधे लोग उसके पास जा रहे होंगे, तू तो बंदी थी, तू कैसे आजाद हो गई, तेरे चेहरे से चमक लग रही होगी, वो बताई होगी मैं अपने उद्देश्य को पूरी करके। उन लोगों की भी भाषा है, जानवरों की भी भाषा है, जानवरों भी, जब आदम ने पाप किया उसका प्रभाव जानवरों पे भी आया है। हालेलुया। हम पापी इसलिए नहीं है कि हमने पाप किया, हम पापी इसलिए क्योंकि आदम ने पाप किया है। तो असली छुटकारा ये नहीं है कि हम लोग अपने मन की करें, असली छुटकारा क्या है, हम जो परमेश्वर हमें बोल रहा है हम उसको जब करते हैं वही रियल फ्रीडम है, वही असली स्वतंत्रता है। आमेन। आज से बहुत से लोग जो है मसीह में हैं, उन लोग ने छुटकारा पा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो लोग परमेश्वर के उद्देश्य पे नहीं चल रहे, तो उन्होंने स्वतंत्र नहीं हुए। आमेन। आपको पता है, मैंने एक और बार आपको बताया था शैतानवाद के बारे में, सैटनिज्म। शैतानवाद का मतलब क्या होता है? शैतानवाद का मतलब शैतान की पूजा करना नहीं होता है। शैतान का वाद का मतलब ये नहीं कि हम जानवर काट के उसका खून पी रहे हैं, ये शैतानवाद नहीं है। शैतानवाद की परिभाषा ये है, तुम अपने मन की करो, जो तुमको लगे वो करो, ये शैतानवाद है और ये एक बंधन है। जब हम अपने मन की करते हैं ये एक बंधन है। आमेन। ये मैं आप देखो, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। अभी इस वक्त मेरे सामने निर्गमन की किताब चल रही है। क्या परमेश्वर ने इज़राइल को कैसा छुटकारा दिया? इधर देखेंगे सब बच्चे, कैसा छुटकारा दिया? क्या उनको मिस्र से कनान लाना छुटकारा था? क्या था बताइए। हम यही सुनते ना, परमेश्वर ने इज़राइल का छुटकारा किया, परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र से निकाल करके उनको कहां लेकर के आया, कनान देश में लेकर आया। देखिए, परमेश्वर आपको अच्छी जिंदगी देना यह छुटकारा नहीं है कि हम यहां पे अदरक लहसुन खा रहे थे लेकिन वहां पे हम दूध और मधु की धाराएं वो खाएंगे पिएंगे। परमेश्वर आपको बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए आपका छुटकारा नहीं किया है। असली छुटकारा इज़राइल का क्या था? इज़राइल का क्या था कि उनका जो स्वामी था मिस्र में वो फिरौन था, अब उनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, यही उसका छुटकारा था। हमारा छुटकारा ये नहीं है कि अब हमारा जीवन अच्छा हो गया है, अब हम लोग पाप से आजाद हो गए हैं, अब हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई है, चलो भैया अपने मन की करेंगे। नहीं, पहले आपका स्वामी शैतान था, अब आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, यही आपका छुटकारा है। तो इज़राइल का असली छुटकारा ये नहीं था कि वो मिस्र से कनान जाए, उनका असली ये था कि पहले उनका स्वामी फिरौन था, वो उनको दबा रहा था, वो उनको कुचल रहा था, वो उनके ऊपर मेहनत करवा रहा था, लेकिन अब जो उनका स्वामी है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो यहोवा परमेश्वर है, यही असली छुटकारा था। हम क्या सोचते थे, कनान देश हमारा देश, दूध और मक्खियां, क्या क्या देश। नहीं, ऐसा नहीं था, वो लाइफस्टाइल है प्रभु यीशु मसीह में, वो है एक अच्छा दिखना, प्रभु यीशु मसीह का एक व्यक्ति अच्छा दिखता है, वो है। आमीन। वो महंगे कपड़े पहन रहा है या सस्ते कपड़े पहन रहा है, लेकिन अच्छा दिख रहा है, वो है। आप संपन्नता में बढ़ रहे हो, वो अच्छी चीज है, आशीष आपके जीवन में है, वो अच्छी चीज है, लेकिन वो छुटकारा नहीं है। असली छुटकारा क्या है कि पहले मेरा स्वामी कोई और था, लेकिन अब मेरा स्वामी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। अब मेरे ऊपर राज और शासन करने वाला कौन व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है। पहले मैं शैतान के अधीन था, मैं गलत काम करता था, मैं दास था, लेकिन अब मैं इसका दास नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। ये असली छुटकारा है। हम सोचते हैं दुष्ट आत्मा निकल गई, छुटकारा हो गया, अन्य भाषा में बोल रहा हूं, छुटकारा हो गया। ये बहुत अच्छी चीज है, ये होना है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, असली छुटकारा निर्गमन की किताब का ये नहीं था, उनका स्वामी बदलना ये असली छुटकारा था। आमें। उनका परमेश्वर बदलना ये छुटकारा था। फिरौन परमेश्वर था, वहां पे लोग उसकी आराधना करते थे, ये लोग भी आराधना करते थे, पर दिक्कत क्या है ना चर्च, दिक्कत क्या है इज़राइल के साथ, दिक्कत ये थी कि वो बहुत अच्छे दास थे फिरौन के, जो वो बोल रहा कर रहे हैं, जो वो बोल रहा सुन रहे हैं,
लेकिन वो अच्छे दास परमेश्वर के नहीं बन पाए, क्योंकि हर बात में वो परमेश्वर को उंगली करते थे, वो हर बात में परमेश्वर को क्वेश्चन करते थे। हालेलुया, मतलब उनको वो चीज पसंद, छुटकारा, उनका बस मकसद ये था कि तू हमें गुलामी से आजाद कर दे, अब हम पर तू हुकूमत चला, हमको जो करना हम वो करेंगे, अगर हमको भैंस बनाना उसकी आराधना करना हम करेंगे, अगर हम सोना चांदी को घुला करके मूर्ति बनाए उसकी आराधना करें, तू हमको कुछ मत बोल, हमको जो करना हम वो करेंगे। वो छुटकारा नहीं था, और इसराइल यही चाह रहा था कि चलो मिस्र से तो निकल गए, प्रभु बचा बचा, प्रभु को कानों में बात सुनाई दी, प्रभु ने मूसा को भेजा, प्रभु ने आजाद किया, इसलिए आजाद नहीं किया कि उनको एक बेटर लाइफ देगा, इसलिए आजाद नहीं किया कि उनको वो एक बेटर मास्टर देगा, इसलिए आजाद नहीं किया कि उनको एक बेहतर जीवन देगा, लेकिन इसलिए आजाद किया कि उनको वो बेहतर स्वामी देगा, और वो स्वामी वो खुद था। तो इसराइल का छुटकारा, इसराइल की कहानी निर्गमन में हमें साफ बताती है। और वो क्या चाह रहे थे, वो बस अपनी मन की करना चाह रहे थे, प्रभु में, प्रभु को ईश्वर जान के उन्होंने देखा, प्रभु को देखा, लेकिन वो अपनी मन की कर रहे, वो ये नहीं देख रहे कि प्रभु हमें क्या खिला रहा है, वो बता रहे कि हमें क्या खाना है। ये आजादी नहीं है, इस आजादी के लिए प्रभु उनको लेकर के नहीं जा रहा था। तो कई बार नहीं, बहुत बार हम विश्वासी लोग पाप के तो अच्छे दास होते हैं, गलत काम के अच्छे दास होते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास के लिए, दास बनने के लिए हम लोग बहुत कूरता से परमेश्वर से बिहेव करते हैं और भगते हैं। तो निर्गमन की कहानी हमें बात को दर्शा रही है, आमेन, कि असली छुटकारा वो नहीं है कि मेरा जीवन बेहतर हो गया, पहले मैं भिखारी था मैं अमीर हो गया, पहले मैं सुंदर नहीं था मैं सुंदर हो गया, वो है मसीह में आने के बाद सब कुछ होगा, Amen. चंगाई, छुटकारा, अमीरी सब आएगी, लेकिन वो हमारी परिभाषा नहीं है छुटकारे की। हमारी परिभाषा ये है कि पहले मैं किसी और की सेवा करता था, पहले मैं किसी और का दास था, पहले मैं पाप का दास था, मैं श्राप का दास था, मैं दुष्ट आत्मा का दास था, लेकिन अब मैं यीशु मसीह का दास हूं। अब वो जो बोल रहा है मैं वो कर रहा हूं, अब मैं नहीं लेकिन मुझ में वो जिंदा है, अब मैं उसकी काम को कर रहा हूं, वो असली छुटकारा है। हालेलुया। तो जितने जवान लोग मेरे को सुन रहे हैं, एक बार अपने आप को झांके, समझे कि प्रभु ने आपको इसलिए आजाद नहीं किया कि आप अपने मन की करेंगे। आपके पहले कौन था? शैतान आपके ऊपर मास्टर था, आपको गलत काम करवा रहा, आपसे गलत चीज कर रहा, उसके प्रति आप बहुत ईमानदार थे, जैसा आपके ऊपर दबाव पड़ रहा आप कर ले रहे थे, लेकिन अब आपके ऊपर यीशु मसीह है। और इसराइल क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाता है कि हम परमेश्वर को बताते हैं कि रहन दो, आप मत बोलो, अब हमको पानी पीना पानी पिलाओ, अब हमको मच्छी खाना मच्छी खिलाओ, अब मेरे को बटेरे खाना बटेरे खिलाओ, हम मन्ना नहीं खाएंगे बहुत बोर हो गए। इन लोग ऐसा फिरौन को तो कभी नहीं बोले, इन्होंने ऐसा कभी फिरौन से डिमांड नहीं किया, फिरौन हम अदरक लहसुन खा रहे हैं हमको बटेरे दे, नहीं बोला। लेकिन ये आजाद तो हुए मिस्र से, लेकिन फिर भी बंधन में थे, इसलिए इनका व्यवहार ऐसा था, क्योंकि ये आजाद होने के बाद परमेश्वर अब इनका परमेश्वर नहीं है, ये अपने खुद के परमेश्वर बन गए। इसको बोलते हैं स्वार्थ। एक स्वार्थी व्यक्ति बंधन में है। स्वार्थी का मतलब, यू विल नॉट टेल मी एनीथिंग, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। परमेश्वर ने कनान देश, वो उसका प्रॉमिस था, लेकिन असली छुटकारा ये था कि पहले फिरौन तुम्हारा परमेश्वर था, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। पहले फिरौन तुम्हारा परमेश्वर था, पहले तुम उस झूठ के पिता शैतान की संतान थे, तुम अंधकार के राज में थे, लेकिन अब तुम ज्योति के राज में बुलाए गए हो, अब तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह है, अब तुम उसके, तुम्हारा वो पिता है। शिफ्ट। आमेन। और यही चीज उड़ाव पुत्र के साथ हुई। कितने लोग उड़ाव पुत्र को जानते हैं? आमेन। उड़ाव पुत्र को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बेटा हूं, ये मेरा पिता है, तो वो क्या कर रहा, दे दे, गिव मी जो मेरा है। क्या बोल रहा था? दे दे मेरा, जो मेरा हिस्सा है, जाता अपने पिता के पास। आमेन। और बोलता है, पिताजी जो मेरा है वो मुझे दो। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? स्वार्थी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बंधन में। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक जेल के अंदर में, जेल की गवाही हमने सुने, हमारे पास पुलिस मैडम भी है, हालेलुया, और कुछ लोग भी हैं जो जेल जा चुके हैं, हालेलुया। अगर आप जेल के अंदर में हैं,
अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा करके स्वार्थ में है, इसका मतलब यह है कि आप जेल नंबर 1 से छूट गए हो, लेकिन ऊपर की जेल में आप चले गए तो उसको छुटकारा नहीं बोलेंगे। आप सेम बिल्डिंग में इस जेल से उस इस क्या बोलेंगे कंपाउंड एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जा रहे हो, आमेन, तो उसको छुटकारा नहीं बोलेंगे। आप जेल की बिल्डिंग में ही घूम रहे हो, आप जेल की बिल्डिंग, पहले आप दुष्ट आत्मा से बंधन में थे, आज आप स्वार्थ से हो। तो स्वार्थ है क्या? शैतानवाद है, जहां पर आप बोलते हो कि मैं अपने मन की करूंगा, जो मेरे को अच्छा लग रहा मैं वो करूंगा। तुम मुझे पाठ मत पढ़ाओ ईसाई का, मेरे को मालूम है ईसाई कैसे बनते हैं। तुम मुझे मत बताओ कि कैसे विश्वासी बनना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम पास्टर कैसे बनो। दैट इज कॉल्ड शैतानवाद। हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्वार्थी हो जाते तो हम सोचते कि इसको ऐसा करना चाहिए, ये पास्टर है तो इसको ऐसा करना चाहिए, ये पास्टर है तो इनको ऐसा करना चाहिए। नहीं, स्वार्थी का मतलब ये होता है मैं अपने मन का मालिक हूं। और इज़राइल परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे थे कि प्रभु फिरौन से हम आजाद हो गए हैं, हमें तू परमेश्वर नहीं चाहिए, अब हम परमेश्वर बनेंगे हमारे जीवन का। ये क्या है? स्वार्थ है। आपको छुटकारे की जरूरत है। आमेन। तो छुटकारा ये नहीं है, तो छुड़ाओ पुत्र आता है बोलता दे 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 दे। मसीह में था वो, पिता का पुत्र था वो, जैसी हम लोग यीशु मसीह के पुत्र, वो विश्वासी लड़का है, वो उड़ाओ पुत्र विश्वासी है। आमेन। जानता अपने पिता को, पिता ने भी दे दिया, क्या करा, सुअरों के साथ खाना खा रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि प्रभु काश तू मुझे एक दास की तरह रख लेता, दास की तरह रख लेगा, उसको कब समझ में आया? जब वो सुअरों के साथ में था, जब उसकी परिस्थिति डाउन हो गई। और अक्सर स्वार्थी व्यक्ति थोड़े देर के लिए आपको चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन बाद में वो परिस्थितियों का दास बन जाता। तब उसको अक्ल आती है कि प्रभु मेरे को अपना दास समझ के ही रख ले। तब उसको समझ में आया, वो बाहर से पुत्र था लेकिन अंदर से उसके अंदर सेवा का भाव नहीं था कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी सुनूंगा, मैं अपना नहीं वो करूंगा। आमेन। और हम ये सब कहानी को जानते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि उड़ाव पुत्र के साथ क्या होता है। उड़ाव पुत्र का वचन बाइबल कहती है लूका 15 में कि उड़ाव पुत्र ने अपने बाप से नफरत नहीं किया, उड़ाव पुत्र ने अपने बाप को रिजेक्ट नहीं किया कि मैं तेरे को नकारता हूं, वो नहीं बोला। वो बोला मैं जा रहा हूं। उसने ये नहीं बोला आई हेट यू पापा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने क्या बोला? मैं तो अपने आप से प्यार करता हूं। तो उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से नफरत नहीं किया, उड़ाव पुत्र ने अपने आप से प्यार किया। ये गलत था। उड़ाव पुत्र ने अपने पिता को नकारा नहीं कि तू मेरे हाथ से पिता नहीं है। उड़ाव पुत्र ने बोला मैं जा रहा हूं। प्रोडिगल सन हैज नॉट रिजेक्टेड हिज फादर, रादर ही वेंट अवे फ्रॉम हिज फादर। जब आप प्रभु को नकार तो नहीं रहे हो, लेकिन आप प्रभु से दूर जा रहे हो, आप बंधन में हो, आपको आजाद होना है। What I said? आप प्रभु को जानते हो, यू से आई लव यू फादर, आपने मुझे ये दे दिया, जो मैंने मांगा तुमने मुझे वो दे दिया। आई एम नॉट रिजेक्टिंग यू फादर, बट आई एम गोइंग अवे फ्रॉम यू। प्रभु मैं तेरे को नकार नहीं रहा हूं, यीशु मसीह ही प्रभु है, लेकिन अभी मेरे को मेरा काम करने दो, मैं जा रहा हूं। दैट इज नॉट फ्रीडम। लिसन, ये आजादी नहीं है। पहले आप शैतान आपका मालिक था, आज आप अपने मन के मालिक बन गए हो। ये छुटकारा नहीं है। असली छुटकारा ये नहीं था कि हमको बेटर लाइफस्टाइल मिलेगी, असली छुटकारा था हमको बेटर मास्टर मिलेगा, बेटर स्वामी मिलेगा। आमेन। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग व्हाट इज कमिंग इन माय हार्ट, जो मेरे अंदर आ रहा है वो मैं बस बोल रहा हूँ। बट आई नो इट्स प्रोफेटिक फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग, जो लोग देख रहे हैं। आमेन। तो उड़ाव पुत्र की एक खासियत ये थी, उसने अपने बाप को नकारा नहीं। ओके तू कोई परमेश्वर, तू मेरा बाप नहीं, आज तू मेरा बाप नहीं, तू मर जा, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला मैं तेरे को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। प्रभु मैं आपका बेटा हूं, चंगाई आपने मेरे को देने को बोले थे, मेरे को चंगाई दो, हाँ मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। प्रभु पैसे नहीं है, आपने बोले थे कि मैं गरीब बना था कि तुम अमीर बनोगे, प्रभु पैसा दो, पैसा आ गया, अब मैं जा रहा हूं। मैं नकार नहीं रहा हूं, नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं
प्रभु श्राप बंधन में है, तू मेरे लिए क्रूसित हुआ, तूने श्राप को ले लिया, मेरे को आशीष चाहिए, आशीष आ गई, प्रभु मेरे को मिल गया मेरा पोर्शन, अब मैं जा रहा हूं। यू आर गोइंग अवे फ्रॉम फादर इज कॉल्ड सेल्फिशनेस, यू आर स्लेव। अगर आप अपने पिता से दूर जा रहे हो, आप स्वार्थी हो और आप अपने मन के मालिक बन रहे हो और आप बलवा कर रहे हो। आमेन। तो जितने मेरे भाई बहन लोग आए हैं आज, असली आजादी ये नहीं है कि आप अपने मन की करें आजाद होने के बाद, असली आजादी ये है कि अब यीशु मसीह आपके साथ मिलकर के काम करे। असली आजादी ये है कि अब आपका परमेश्वर यीशु मसीह है। पहले आप शैतान की सुन के काम करते थे, अब आप परमेश्वर की सुन के काम करेंगे। आमेन। पहले शैतान आपको गंदी चीजों के लिए इस्तेमाल करता था, अब आप परमेश्वर के द्वारा अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। और जब प्रभु आपको इस्तेमाल करे, यही आपकी असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वही स्वतंत्रता है। आपके स्वार्थ में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो बाइबल साफ कह रही है, बीमारी से छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। वेयर द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जहां परमेश्वर की वचन है वहां परमेश्वर का आत्मा है। जहां परमेश्वर की इच्छा है वहां परमेश्वर का वचन है और वहां परमेश्वर का आत्मा है। और जहां आपकी इच्छा है, जहां पर आपका मन है, वहां पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हाँ वो है, वो आत्मा है, बट ही इज नॉट मैनिफेस्टिंग, वो प्रकट नहीं हो रहा है। हालेलुया। जहां परमेश्वर का वचन है वहां प्रकट होता है। आमेन। तो हालेलुया। जस्ट वॉच योरसेल्फ, अपने आप को देखो। अगर आप कहीं गड़बड़ हो, अगर आपसे कुछ गलती हुई है, डोंट वरी, प्रभु है, वो आपको माफ करेगा, आपको गले लगाएगा। लेकिन ये सच्चाई आपको स्वतंत्र करने पाया आज, कि जब आप अपने मन की करते हो, जब आप प्रभु से दूर होने का मतलब एक ये भी है, आप बोलोगे भैया मैं तो अपना प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च नहीं आता हूं। बाइबल कहती है इफ यू रिजेक्ट हिज वर्ड यू आर रिजेक्टिंग हिम। आमेन। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन एक है। आप ये नहीं बोल सकते आई लव यू जीसस बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस जीसस। अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो तो आप परमेश्वर को प्यार करते हो। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हो, इसी का मतलब होता है कि आप परमेश्वर को लेकर के चल रहे हो। भैया मैं तो अपना 3 बजे उठ के प्रार्थना करता हूँ, 3 से 5 करता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं दूसरों के साथ प्रार्थना करूं। दैट इज नॉट कॉल्ड हैंगिंग आउट विद जीसस। व्हाट बाइबल सेज, फिर तो एक आप में क्या लिखा है, इकट्ठा हो प्रार्थना करो, इकट्ठा हो प्रार्थना करो। वो लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना किए, कहीं नहीं लिखा कि कोई अकेले प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर का वचन कौन है, परमेश्वर है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आप इजली बोल सकते हो, अगर आप चर्च आना बंद कर देते हो तो क्या ये, मैं किसी को टोक नहीं रहा हूं, ओके, आई एम जस्ट फ्लोइंग। आमेन। कुछ लोग के कुछ कारण होंगे जो जिस कारण वो चर्च नहीं आ रहे होंगे, वो मुझे पता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चर्च आना क्या है, प्रभु का कमांड है। चर्च आना क्या है, संगति क्या है, ये प्रभु की इच्छा है। यहां परमेश्वर का आत्मा है। आमेन। ऐसा नहीं कि मैं 4-5, अरे आप बिना आप व्यभिचार करने के बाद भी अन्य भाषा बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु है वहां पे। आप पोर्नोग्राफी देख करके भी रबा शाखा रबा फिर बोलोगे हाँ प्रभु तो है, प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। लेकिन तुमने क्या किया, प्रभु ने छोड़ा इसराइल को, नहीं छोड़ा, लेकिन इसराइल त्याग रहा था, इसराइल छोड़ रहा था। तुम्हारे साथ परमेश्वर है लेकिन तुम छोड़ रहे हो और तुम त्याग रहे हो। सो आई डोंट नो वॉट आई एम सेइंग बट आज वी मस्ट सी आवरसेल्फ। अपने आप को देखो कि पीछे वाले जितने लोग आजाद होना हो गए हैं, आजाद हो रहे हैं, आपकी असली आजादी अब क्या है, प्रभु के चरणों पर बैठना। आमेन। अब असली आजादी क्या है, बाइबिल को पढ़ना। असली आजादी क्या है, अब मुझे हर मीटिंग में जाना है, क्योंकि वचन कहता है बाइबिल में, प्रेरितों की किताब में लिखा, जितने लोग बचाए गए वो सब इकट्ठा होते थे घर घर में। कोई मंदिर में इकट्ठा नहीं हो रहा था, कहां हो रहे थे इकट्ठा, घर घर में। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो तो आपका स्वामी कौन है, परमेश्वर, और परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर का वचन है। आमेन। हालेलुया। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं,
Amen. तो जब आपका छुटकारा, बहुत से लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, अब हमारे अंदर से कोई दुष्ट आत्मा तो निकली नहीं, कुछ गलत चीजें निकली होगी, पता नहीं. Amen. लेकिन आपको करना क्या है, असली आजादी क्या है? जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता. बोलो, जहां परमेश्वर का आत्मा है जहां परमेश्वर का आत्मा वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है. Amen. अगर आपके जीवन में, आपके डिसीजन में, आपके एक्शन में, इफ देयर इज नॉट गॉड, दैट मींस देयर इज नो फ्रीडम. जहां आपके एक्शन में, आपके विचारों में अगर परमेश्वर नहीं है, वचन नहीं है, दैट मींस वहां पे आजादी नहीं है. तो आजादी की परिभाषा केवल यही नहीं है, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो बीमारों पे हाथ रखोगे, वो तो है, लेकिन असली आजादी क्या है? गद्दी को पकड़ के कहां लाना है? यीशु मसीह के पास. और यीशु मसीह क्या करे? उसके ऊपर बैठे, और यीशु मसीह उसके जीवन में वो करे जिसके लिए वो बुलाया गया है. आमेन. तो कितने लोग तैयार है प्रभु जी, आज से असली छुटकारा ये नहीं है कि मैं अकेले रहूं, असली छुटकारा ये नहीं है. देखो, अकेला रहना, अकेले प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है. बाइबल कहती है समूह की, बाइबल कहती वो इकट्ठा थे, बाइबल कहती पत्रस 11 के साथ खड़ा हुआ, बाइबल कहती वो गिनती में इतने थे, वो गिनती में बढ़ते गए. असली परमेश्वर की जो वचन है वो क्या हमें संबोधित करता है? कि ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे के साथ संगति रखें. तो जितने लोग बाहर से आए हैं, पीछे बैठे हैं, आपको करना क्या है? आप जितना हो सके जहां पर आपको मीटिंग मिल रही है आपको वहां जाना है, क्योंकि अगर आप असली स्वतंत्र हुए हो तो आप जाओगे. नहीं तो शैतान तो आपका परमेश्वर नहीं है, लेकिन अब आप अपने खुद के परमेश्वर बन गए कि जो मैं बोलूंगा वही होगा. आमेन. चर्च समझा पा रहा हूं आप लोग को? yes. त्रिवेणी लोगों को समझ में आ रहा होगा? yes. आमेन. तो इसको सोचे, इसको विचार करे कि एक शिफ्ट हुआ है. बोलो शिफ्ट. शिफ्ट. आमेन. पहले मैं किसी और के अधीन था, अब मैं किसके अधीन हो गया हूं? तो लेकिन इसराइल क्या कर रहा था? फिरौन का अच्छा दास बन रहा, वो मार रहा, वो उनको ईंटें भी बना के दे रहा बिना भूसा के. लेकिन जब परमेश्वर कुछ बोल रहा तो ये लोग को बुरा लग रहा. जब परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बात कर रहा है, ये कहना है, बोलते नहीं प्रभु, आप हमको दूसरा वचन पढ़ेंगे, जहां हमको अच्छा लग रहा है हम वो करेंगे. नहीं, सब वचन परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है. परमेश्वर का वचन हमें अकेले रहने को भी बोलता है, परमेश्वर का वचन हमें सबके साथ भी रहने को बोलता है, परमेश्वर का वचन हमें अकेले प्रार्थना करने को भी बोलता है, लेकिन वही परमेश्वर हमें एक साथ प्रार्थना करने को भी बोलता है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का वचन हमें खुद को भी बचाए, हम दूसरों को बचाने को भी बोलता है. आमेन. आमेन. तो हम लोग क्या करते हैं? जो हमको फिट लग रहा है हम लोग वो करते हैं. मतलब हम किसके मालिक हैं? अपने आप के. बाकी जो वचन है वो हमको काट रहा है, पीट रहा है, हम बोलते हैं नो लॉर्ड, नो लॉर्ड. आमेन. तो असली आजादी क्या है? जहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां प्रभु का आत्मा है. जब जब उड़ाव पुत्र चला गया अपने पिता से, वो पिता से दूर गया, पिता उससे दूर नहीं गया. तो प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ते और त्यागते नहीं है, आप छोड़ते हो और आप त्यागते हो. गड़बड़ यहां है, गड़बड़ यहां है. वो तो आशीष पा लिया, पैसे पा लिया, लेके यस आई एम अ डिस्को डांसर कर रहा था, फिर उसके बाद सुअरों के साथ खाना खा रहा था, डिनर कर रहा था, लंच कर रहा था, फिर उसके बाद आया, पिता ने गले लगाया. हालेलुया. लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग प्रभु के लोग हैं. आमेन. अगर आपके अंदर ऐसी भावना आ रही होगी तो आपको इस भावना को कैद कर मसीह की आज्ञाकारी बनाना है, और आपको बोलना है कि मैं इन भावनाओं पे नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है. परमेश्वर को लेकर के चलना मतलब परमेश्वर के वचन को लेकर के चलना. और परमेश्वर क्या है? आत्मा है. वचन क्या है? आत्मा है और जीवन दायक है. तो वर्ड इज स्पिरिट. तो कितने लोग निर्णय ले रहे कि प्रभु नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं हम परिवारों के पास नहीं आएंगे, हम रिश्तेदारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर मीटिंग है तो मीटिंग में जाएंगे, सोमवार की, बुधवार की हम जाएंगे. क्यों? क्योंकि पहले शैतान के हम अधीन थे, अब यीशु मसीह के अधीन है. अरे भैया, प्रभु सब जानता है, जानता है वो, उसको मालूम है वो.
लेकिन क्या आप जानते हो अनंत जीवन के, आज मैं और माधुरी यही बात कर रहे थे, यूहन्ना 17:3 क्या है, मैं इससे खत्म कर रहा हूं। आमीन। अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग जाना है। देखो चर्च, एक व्यक्ति कभी नहीं मरता। क्या? एक व्यक्ति कभी नहीं मरता। बोलो, एक व्यक्ति कभी नहीं मरता। आत्मा नहीं मरती। दो मृत्यु है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। दो मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु मतलब कि हमारा शरीर हमने छोड़ दिया। आत्मिक मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि हम आत्मा में मर जाएंगे। आत्मिक मृत्यु यह है कि परमेश्वर से अलगाव ही आत्मिक मृत्यु है। और अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन स्वर्ग जाने वाला जीवन नहीं है। अनंत जीवन क्या लिखा है यूहन्ना 17:3 में? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन यह है परमेश्वर को जानना। आमीन। ना कि परमेश्वर को अपने बारे में बताना। परमेश्वर को जानना कि उसको अच्छा क्या लग रहा है। परमेश्वर को जानना कि उसको क्या पसंद है। परमेश्वर को जानना कि वो किससे खुश होता है। परमेश्वर को जानना कि क्या चीज प्रभु के चेहरे पे मुस्कुराहट को लाती है। उसको जानना कि किस बात से वो दुखी होता है, किस बात से वो हमसे नाराज होता है। ये होता जाना अनंत जीवन क्या है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि तुम्हें वो क्या करे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जीवन भी दिया और बहुत आयत का जीवन दिया। क्यों दिया? ताकि हम उसको जाने। इज़राइल परमेश्वर को नहीं जान रहा था, उनको फिरौन पसंद था। बीच में बोलते सचतम पहला जीवन था हमारा, भैया हमारे देवी देवता तो सचतम पहले थे। ऐसा नहीं है। जब किसी को कुछ अच्छा मिलता है ना तो उनके साथ ऐसा होता है, अगर वो स्वार्थी है। अगर आपको अपने लोग ही पसंद है तो आप स्वार्थी हो। यू नीड टू लव पीपल प्रभु के प्रेम से। आपके अंदर प्रभु का प्रेम डाला गया है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है मुस्कान दूसरों से प्यार करने की, लेकिन तुम्हारे अंदर जो प्रेम है उसके पास ताकत है दूसरों से प्यार करने की। आमेन। तुम्हारे पास शांति नहीं है, वो जानता है कि तुम अशांत व्यक्ति हो। तभी के लिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। तुमको तुम्हारी शांति नहीं बांटना है। तुम्हारे पास यीशु मसीह की शांति है। जब वो नाव में था तो वो खुद शांत था। जब वो खुद शांत था तो तूफान को शांत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही शांति उसने हमको दे करके रखा। आमीन। तो चर्च, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस। हमें क्या करना है? हमको इसराइल नहीं बनना है। इसराइल को प्रभु ने छुटकारा अच्छा जीवन देने के लिए नहीं, अच्छा परमेश्वर देने के लिए। इसराइल को परमेश्वर का छुटकारा जो इसराइल को प्रभु ने दिया वो अच्छा जीवन है ना। सियोन देश हमारा देश, वो नहीं, परमेश्वर बदल गया हमारा। पहले वो फिरौन का फिरौन उनका परमेश्वर था, अब प्रभु यहोवा उनका परमेश्वर है। तो शिफ्ट जीवन शैली में नहीं हुई है, शिफ्ट जगह में नहीं हुई है, शिफ्ट एटमॉस्फेयर में नहीं हुआ है, शिफ्ट उनके परमेश्वर में हुआ है, शिफ्ट उनके मालिक में हुआ है। पहले फिरौन उनका मालिक था, अब परमेश्वर यहोवा उनका मालिक है। ये शिफ्ट है। तभी के लिए छुटकारा काय को कर रहे थे उन लोग। अब बहुत लंबा जा रहा है, नहीं जाएं? जाएं? जाएं कि नहीं जाएं? हाँ, निर्गमन 3:18, निर्गमन 5:1, निर्गमन 5:3, निर्गमन 5:8। मूसा उनको बोले आ रहा, क्या बोल रहा? हमें जाने दे ताकि हम लोग क्या करें, परमेश्वर की जो हमारा परमेश्वर है हम उसकी आराधना करें, ना कि फिरौन तेरी आराधना करें। ये था छुटकारा कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु ने हमें वादा किया है, हम अभी गार्डर वारा में रहते तो हम लोग को प्रभु जबलपुर शिफ्ट करने जा रहा है इसलिए हम लोग को जाने दे। नहीं, उन्होंने बोला कि हमारा परमेश्वर यहोवा है। You are not हमारा परमेश्वर। फिरौन हमारा परमेश्वर नहीं, अब कौन है? परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है। हम तेरी आराधना नहीं करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। पहाड़ में जाकर करेंगे, 3 दिन जंगल में घूम के करेंगे, लेकिन हम लोग तेरी आराधना नहीं करेंगे। आराधना का मतलब हम तुझ पर अपने जीवन को बलिदान नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बलिदान करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। Amen. अगर हम आगे जाएंगे तो वी विल टेक मच टाइम।
बट यही चीज आपके अंदर आना चाहिए। राखा दे रे ब्रे कांदा रा रा रा, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा। उसने दाखरस, हालेलुया, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही रोग के किनारे अधम हुआ पड़ा, यही रोग के किनारे अधम हुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, यीशु 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 यीशु, मैं उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैं उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु यीशु, अपने हाथों को ढाकर। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हैं परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों की भूख और प्यास को जानते हैं पिता, आप जानते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में करेक्शन की जरूरत है, आप जानते हैं पिता कि उन्हें कौन सी जगह पे सुधार करना है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक से बातचीत किया परमेश्वर पिता। प्रभु, हम वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले हो जाए परमेश्वर पिता। आज हम सबके अंदर एक नया बदलाव आपने दिया है प्रभु। हम निर्णय लेते हैं परमेश्वर पिता कि हम अपने मन की नहीं करेंगे, हम अपने मालिक अपने स्वामी खुद नहीं बनेंगे, पर आज के बाद पिता परमेश्वर यहोवा, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वामी हैं और आप ही हमारे मालिक हैं परमेश्वर। धन्यवाद है तेरी आंथो रोबो शेखे ठेरे मेरी या दरबा, रियांथो रोबो शेखे ठेरे मेरी या दरबा। और प्रभु, जब आप हमारे स्वामी है तो हम गरीब नहीं है पिता, जब आप हमारे स्वामी है तो हम बीमार नहीं है, और जब आप हमारे स्वामी बन गए हैं तो हम अंधकार में नहीं है, हम बंधवाई में नहीं है प्रभु, पर आज हम आजाद है पिता, आज हम आजाद है। हम आज से आपकी उपस्थिति में रहेंगे, आज से हम आपकी आत्मा में चलेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि अभी भी किसी के शरीर में कोई दर्द है तो यीशु नासरी के नाम में हम कमांड करते हैं, यीशु के नाम में हर एक दर्द बाहर निकलने पाए। रियातो रोबो शेखे ठेरे मेरी अथरबा, हर एक फोड़ा, हर एक फुंसी, हर एक गठान यीशु के नाम में घुल जाने पाए। रियातो रोबो शेखे ठेरे मेरी अथरबा, रबा मामा मामा शेखे डोरोबो शेखे ठेरे मेरी अथरबा। आज का दिन छुटकारे का दिन हो जाए, पूर्ण छुटकारे का दिन हो जाए। रे बे मामा शेखे ठेरे मेरी अथरबा। प्रभु, हम अगले संडे को नई नई गवाहियों को सुनना चाहते हैं। रोबो बोबो शेखे ठेरे मेरी अथरबा। और सचमुच जो कभी कानों ने नहीं सुना और जो आंखों ने नहीं देखा और जो हमारे प्रभु किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, आप वो सब चीजें करने जा रहे परमेश्वर। आप अद्भुत करने जा रहे हैं, आप मिरेकल करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, आपका नाम यहोवा राफा चंगा करने वाला है। और आज तो आप हमारे परमेश्वर है प्रभु। अपने मन को, अपने चित्त को, विचारों को, कल्पनाओं को, इंद्रियों को आपको समर्पित करते, आपको सौंप देते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, हमारा जीवन आपको समर्पित करते, आप ही हमारे राजा है। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। जस्ट चेक करें अपने शरीर को,
प्रभु ने चंगा किया। अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है, हम लास्ट में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग नए आए हैं, आमेन, यहाँ पे हमारे बच्चे लोग हैं, ये लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ये लोग आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, आप इनका नंबर ले सकते हैं, आप इनको फोन कर सकते हैं, आमेन। आइए हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, मतलब जिन्होंने उद्धार पाया है, बाइबल कहती है कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। एक वचन है जो मैं अभी प्रभु का धन्यवाद, आप लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए और प्रभु ने अद्भुत काम किया नागालैंड में, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया और प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया और वो सब आपकी प्रार्थनाओं के कारण हुआ है, आमेन। आपकी प्रार्थनाओं के कारण वहाँ पे प्रेजेंस, वहाँ पे उपस्थिति और बहुत सारी गवाहियों को हमने पाया, आमेन। ये शुरुआत है, हालेलुया, और हम छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानते हैं, अभी बहुत बड़ी चीज देखने जा रहे हैं। लेकिन एक वचन जो मैं बताना चाहूंगा, पेरितो किताब अध्याय 8:34, आमेन। कितने लोग का बपतिस्मा नहीं हुआ है, हाथ उठाना, पानी का बपतिस्मा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग का पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ? ओके ओके, जितनों का नहीं हुआ हाथ जोर से उठाइए, आमेन। यहां पे सुनिए, बपतिस्मा देने से किसी का उद्धार नहीं होता, हालेलुया, बपतिस्मा लेने से किसी का उद्धार नहीं होता। उद्धार कैसे होता है? परमेश्वर यीशु मसीह पे को मन में विश्वास करने और मुंह से अंगीकार करने से होता है। तो फिर हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हम यहां पढ़ेंगे फिलिप, पेरितो 8:34 में लिखा है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, कि या अपने किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी सांस से आराम करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। किसके बारे में बताया उसने? यीशु के बारे में बताया। और मार्ग में चलते चलते वह किसी जल के जगह पे पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख ये जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से मत रोक। तो यहां पे फिलिप्पुस नहीं बोल रहा है बपतिस्मा ले, लेकिन वो खोजा बोल रहा है कि मुझे बपतिस्मा लेना है क्योंकि मैंने सुसमाचार सुना हूं। कितने लोगों ने यीशु का सुसमाचार सुना है? कितने लोगों ने यीशु का सुसमाचार सुना है? तो बाइबल कहती है उसने, खोजे ने बोला कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मैं क्या करूं? तो फिलिप्पुस बोलता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। और खोजे ने बोला, खोजे ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और वो बपतिस्मा लेता है। तो बपतिस्मा लेने के लिए आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं कि मैं व्हाइट कपड़ा पहनूंगा, मैं उपवास रखूंगा, नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ले सकते हैं, आप विश्वास करते तो आप ले सकते हो, और ले विश्वास कर लिए तो आप तैयारी करो कि प्रभु अब मैं पुराना जैसे नहीं नया जैसे रहूंगा। और बपतिस्मा क्या है, क्यों हम लेते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की, अगर आप अपने मन के मालिक हो तो आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, लेकिन अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का मालिक है तो आप बपतिस्मा लेंगे क्योंकि वो उसकी आज्ञा है, आमेन। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? पूछो, बपतिस्मा कौन लेता है? जो विश्वास करता है वही बपतिस्मा लेता है, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो आप तैयार है बपतिस्मा के लिए, आमेन। हाँ, आइए हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, आमेन। बपतिस्मे का मतलब यह भी होता है कि मैं सारे मन से, सारी आत्मा प्राण देह से मैं अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह प्रभु है, जो हमारे अंदर हुआ है, हम वो सबके सामने बताते हैं। बपतिस्मा कभी छुप के नहीं लेते हैं, सबके सामने लेते हैं, दिलेरी से लेते हैं कि मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। जिस प्रकार शादी हम दिलेरी से चर्च में खड़े होकर सबको बता के पार्टी दे के करते हैं, वैसे हम बपतिस्मा लेते हैं कि हम बताते हैं कि आज से मेरा राजकुमार, आज से मेरा पति, आज से मेरा परमेश्वर कोई और नहीं, यीशु मसीह है, आमेन। हम शर्माते नहीं, हम लजाते नहीं, हम शर्म नहीं करते। आइए हम लोग प्रभु भोज में आगे जाएंगे। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो अपने हाथ को उठा लो, बपतिस्मा जिन्होंने लिया है वो हाथ को उठा लो, जो इस कलीसिया में आ रहे वो हाथ को उठा लो, हम आपको प्रभु भोज देना चाहते हैं। La 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 la, oh, oh. Amen, amen. Karta hu jab tujhe pyaar, bhalai mein badle har haal.
जब तेरी बाह आशीषों का होता अंबा करता हूँ आमीन करता हूँ जब तुझे प्यार भलाई में बदले हर मानता हूँ जब तेरी बात आशीषों का होता अंबार बढ़ता है फसल मिलता तेरा बल बढ़ता है फसल मिलता तेरा बल मीठे बनते सारे कटु पल मीठे बनते सारे कटु चर्च अगर आप में से कोई यहां पे खड़ा है और उसने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है अभी तक ये आज आपके लिए अवसर है अगर सब अपनी आंखों को बंद करेंगे अगर आप सच में इस संदेश के बाद आज की सभा के बाद आप अपनी पूरी आत्मा से अपने प्राण से अपने शरीर से इस बात को कह रहे कि प्रभु आज मैं अपना जीवन पूर्ण रीति से तेरे हाथों में देना चाहता हूं ऐसे लोग हाथ उठा ले सब अपनी आंखें बंद करेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ है जो बोल रहे प्रभु आज मैं अपना जीवन तेरे को देता हूं प्रभु ऐसे लोग बोल रहे प्रभु मैं अपना जीवन फिर से लॉर्ड आई वॉन्ट टू गिव यू लॉर्ड मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु इन हाथों को आप देख रहे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आप इनके लिए मारे गए गाड़े गए तीसरे दिन जिंदा उठे ये मन में विश्वास कर रहे बोलिए यीशु ही प्रभु है मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ आज से मेरा कर्ता धर्ता यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ चर्च इस रोटी को उठाएंगे पिता हम धन्यवाद देते हैं सारी मृत्यु सारी गरीबी इस क्रूस पे है आपका वचन कहता कि मैं नहीं मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा और तेरे कार्यों का वर्णन करूंगा प्रभु आपका वचन कहता जो मेरे मांस और लहू को खाता और पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहेगा मैं उसमें स्थिर बन रहूंगा हम विश्वास करते हैं जब हम प्रभु बोझ कर रहे हैं तेरी मृत्यु की सामर्थ तेरे क्रूस की सामर्थ इधर बहने पाए हर एक शरीर में बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से हर एक कैंसर आउट इन जीसस नेम हर एक बीमारी आउट 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 इन जीसस यहाँ प्रभु का आत्मा है यहाँ स्वतंत्रता है अभी इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के निकलो क्रूस की सामर्थ यहाँ फैल रही है फायर लॉर्ड प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जब हम प्रभु भोज को खा रहे हैं ये हमारे अंदर आपका स्वभाव उत्पन्न करते जा रहा है धन्यवाद यीशु के नाम से उसने रोटी नहीं तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर इसको खाओ करतार के हाँ तो मैं मिट्टी के मानिंद मुझे आकार दे दो प्रभु मैं तुझ में समर्पित मुझे आकार दे दो प्रभु मैं तुझ में पिता हम धन्यवाद देते इस पवित्र लहू के लिए जो छुटकारे का लहू है जो छुटकारे का लहू है इस लहू को हम अपने ऊपर अपने शरीरों पे लगाते हैं ये नई वाचा का लहू है हम आपके साथ वाचा में हैं अब हमारा दुश्मन तेरा दुश्मन है अब हमारे लोग तेरे लोग है प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से आपका वचन कहता है तेरे द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा ये वचन को हम स्वतंत्र करते हैं प्रभु इसी वक्त अगर कोई भी हमारे परिवार में बीमार है ये लहू को हम उस जगह पे लगाते हैं चंगा कर रहा है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से
यीशु यीशु तू सबसे है महान यीशु यीशु खुश रहती कुछ बेजा चाहता है जब अंधकार रोशनी का तू बनता मेना रोग से हो तालाचार चंगा करता तेरा कला मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष नित्य बहती है तू हर पल नित्य नित्य बहता है तू हर पल ईशु खुश रहती यीशु आमेन जान यीशु आमेन यीशु पिता यीशु के नाम से सारे बंधन सारी दुष्ट आत्मा मैं तुझे आज्ञा लेता हूं छोड़ के निकल आउट इन जीसस नेम हर एक बीमारी बाहर निकले हर एक मृत्यु की आत्मा तुझे मैं आदेश देता हूं छोड़ के निकल राखा था ला 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 री से रावा खा था तू भलाई बिना कुछ करता नहीं सब बुराई मिटाने वाले सब हाथ उठाएंगे तू परमेश्वर शैतान के कामों को नष्ट करने आया है ये भलाई है ये प्रभु की भलाई है कि वो दुष्ट के काम को नष्ट कर राखा था सारे पाप क्षमा करने वाले नया से के चले ले ले सारे पाप क्षमा करे फायर ऑफ द होली थक 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 नया जीवन जस राखा चले यीशु आमेन यीशु राखा ठाला राखा आउट इन जीसस नेम बाहर निकले यीशु के नाम से रोको ठोलो ब्रोसो तू सब से है महा लबरा का चाला लबरा सा चला ब्रा का चाला ब्रोसे तेरे रे यीशु we kick out every demon spirit in Jesus name every legal right we break in Jesus name ओ रामा नाना से खेते रे हर
sharara yere libro la brake o shakatala la 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 o ranana na seterere o dhanyawa kisa stuti ga koti koti stuti dhanyavaad dhanyavaad ke saath stuti gaunga aaye shu mere khuda labra khata labra ho just aatma mein bane rahe church kuch ho raha hai koti koti stuti dhanyavaad yogyata se badh ke diya hai apni daya se tune mujhe yogyata se badh से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ यस लॉर्ड मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद आमेन यस लॉर्ड पिता हम धन्यवाद देते रहो उपकार कुछ हो रहा है जब आप इस गीत को गा रहे हैं आमेन हर बार रखा से के चले रे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद पिता हम धन्यवाद देते हैं कितने लोग तैयार हैं इस वक्त परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए बाइबल कहती है तुम बोगे तुम काटोगे आमेन और बोने वाला अपने मन में ठाने और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो हम शैतान को बोलते हैं कि मेरा भरोसा इस रुपया पे नहीं है मेरा भरोसा इस परमेश्वर पे है ये जो मेरे हाथ में मैं ये इसलिए डाल रहा हूं कि ये रुपया मेरे घर को नहीं चलाता ये परमेश्वर मेरे घर को चलाता है आमेन जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो हम शैतान को बोलते हैं कि मेरा भरोसा तुझ पे भी नहीं है भाई और हम परमेश्वर को बोलते हैं कि मेरा भरोसा तुझ पर है जब आप प्रभु के राज्य में बीज को बोते हो तो आप प्रभु को बताते हो कि प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा है और हम सबके हैं हालेलुया कितने लोग तैयार है परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए इस वक्त आपको जो मन में लगे आप निकाल सकते हैं आपके दशवांश को आपके भेंट को आमेन आप प्रभु के लिए कर रहे आमेन और आप जल्द ही निश्चय ही इसकी कटनी को काटेंगे आमेन हालेलुया बाइबल कहती है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा हिला हिला के दबा दबा के और ऐसा उमड़ता हुआ जिसको तुम नाप भी नहीं पाओगे और तुम दे करके देखो कि वो कैसे स्वर्ग के झरोके खोलता है देयर इज अ ब्लेसिंग इन गिविंग आपको पता है बीज देना भेंट देना एक अनॉइंटिंग है एक अभिषेक है और ये अभिषेक हम सबको कैरी करना है जब हम देने वाले बनेंगे तो हम लेने वाले कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे हमेशा हम देंगे देंगे और प्रभु से लेंगे
प्रभु से लेने की भी कोई दिक्कत नहीं है, जो हमको चाहिए हाथ डाल के कर लिया अपन ने, आमेन। तो हम कौन है? लेने वाले नहीं, देने वाले। तो अगर आपके आज जो भी अपनी भेंट को उठा लो, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी भेंट को अपने हाथ में उठा लो और गांधी जी को ज्यादा जम के मत दबाना, हल्का सा उसको सांस लेने देना, आमेन। हालेलुया, बूम। पिता, इस वक्त यीशु के नाम से जब हम तेरे राज में बीज बोने जा रहे हैं, 100 गुना ये फल लाने पाए, हर एक श्राप टूटने पाए प्रभु जी। प्रभु, जो ना देने के कारण हमने अपने जीवन में डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को बुलावा दिया, उसको हम ब्रेक करते देने के द्वारा। जब हम तेरे राज में बोएंगे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं हम कटनी को काटेंगे यीशु के नाम से, आमेन। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना, आमेन। आराधना होते जब हम देते हैं तो हम आराधना करते हैं प्रभु की। सृष्टि को रचने वाले प्रभु आराधना, आमेन। ओ तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान। आप सम्मान करते जब आप देते हैं तो, महिमा में प्रभु, आमेन। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान, मान और सम्मान, यीशु तुझे मिले, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, वो मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, प्रभु अद्भुत है और वो अद्भुत हमारे जीवन में करेगा। हमारा राजा फिरौन नहीं है, हमारा राजा परमेश्वर है। आइए आखिरी आशीष के हम सर झुकाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इन लोग के साथ में होती रहे, आमेन। हालेलुया, अपने बाजू वाले का हाथ मिलाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोले, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, बताइए उसको नाम, बोले जय मसीह की, यीशु जिंदा है, कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप, कितना बड़ा, चेयर रखेंगे नहीं भैया, चेयर नहीं रखेंगे, उसने मेरे सारे पाप को डाला, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, खुशियों से भर डाला, हमेशा आनंद से नाचूंगा, आमेन। हालेलुया, चर्च, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे क्या है, वहां पे डिस्टरबेंस नहीं है, वहां पे अशांति नहीं है, जहां प्रभु की उपस्थिति वहां पे क्या है, आनंद में ही प्रभु की उपस्थिति, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है,
आप कुछ कर रहे हो और आपके जीवन में आनंद नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, आप भाग रहे हो, बच के रहना, तभी के लिए हम आपके मुंह को देखते हैं, खुश है कि नहीं है, खुश नहीं है और अपनी मन की कर रहा है, मतलब प्रभु का आत्मा है ही नहीं, स्वार्थ में जीवन बिता रहा है, आमीन, स्वार्थ में जीवन ये बिता रहा है। तो आनंद एविडेंस है कि आप छुटकारा पाए हुए हैं। आनंद एविडेंस को क्या बोलेंगे अपन लोग हिंदी में? सबूत है। आनंद इस बात का सबूत है कि आपका प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है, कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आत्मा, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्र, एक स्वतंत्र व्यक्ति आनंदित रहता है, मुंह लटकाए नहीं रहता, एक स्वतंत्र व्यक्ति बेचारा नहीं बनता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति अपने आप के ऊपर तरस नहीं खिलवाता, मेरे को तरस करो मैं ऐसा हो गया हूं, वो आनंद नहीं है। आमीन। आनंद क्या है? बुखार है, कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप, हे कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला, बंजर जमी जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमी जैसा मेरा सारा जीवन था, दबा कर उसने मुझे खुशियों से भर डाला, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, जोर से पीछे मारे, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से, आनंद से नाचूंगा, आपका आनंद बता रहा है कि उपस्थिति आएगी नहीं, आनंद से नाचूंगा मैं, वो दुनिया में आया लहू बहाया विधि जहान को दिया, वो दुनिया में आया लहू बहाया फिदिया जहान को दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ, हमको बचाने, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम बातें, किसके नाम से बातें होता, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जज, अगर आप चाहते हो कि आप स्वार्थ का जीवन ना जियो, आप आराधना करते रहोगे प्रभु की, तो कभी भी आप प्रभु से अलग नहीं भागोगे। आमीन। एक व्यक्ति जब प्रभु से दूर जाता है तो वो आराधना में शामिल होना बंद कर देता है। आप देखना उन लोगों को जो लेट आते हैं, प्रभु से दूर जा चुके उनको आराधना में, क्योंकि आराधना प्रभु के करीब लाती है, और जो व्यक्ति रिजेक्ट करता है प्रभु को रिजेक्ट नहीं करते, सॉरी मेरे बात को, दे आर नॉट रिजेक्टिंग गॉड, दे आर, वो लोग खुद दूर जा रहे हैं, हम प्रभु देखो आई लव यू प्रभु, तू मेरा दाता, तू मेरा स्वामी, मेरा सब कुछ, लेकिन अभी मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आमीन। तो आई वॉच कितने लोग लेट आते हैं, कितने लोग जल्दी आते हैं, हर एक के पीछे एक सबूत रहता है, हर एक के पीछे तारे रहती हैं। आमीन। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप लेट आओ चर्च, जल्दी आओ, आई वॉक इन स्पिरिट, आई सी इन स्पिरिट, आई नो एवरीथिंग, बट एक साइन बोल रहा हूं मैं, एक चिन्ह बोल रहा हूं मैं, जब एक व्यक्ति प्रभु से भक्ता है तो कभी आराधना नहीं करता, कभी शामिल नहीं होता, उसको बोर लगता है, क्योंकि वो चीज को करीब लेकर के आएगी और वो तो प्रभु की इच्छा के विरोध में काम करना चाह रहा है और वो भाग रहा है। आमीन। तो अगर आप मंडे की आराधना में आ रहे हो, जल्दी आ जाइए, बुधवार को आ रहे हो, जल्दी आ जाइए, आईटीआई में मीटिंग है, हमसे जल्दी पहुंचिए, हम, हमारे लिए तुम ये मत बोलो पास्टर को जल्दी आना चाहिए, नहीं, तुमको जल्दी आना चाहिए। हालेलुया। आमीन।
दैट इज अ साइन कि आप बोल रहे हो प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा. आमेन. प्रभु इनको मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से. आइए हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे. और मंडे को भेड़ाघाट में प्रार्थना रहती है, बुधवार को हम लोग लमेटा में जा रहे हैं, और आईटीआई का समय हम बताएंगे हर गुरुवार.